हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडक्टिव बायस। तो हम देखते हैं इंडक्टिव बायस होता क्या है। इसमें लिखा था, टास्क ऑफ प्योर इंडक्टिव इन्फ्रेंस इज गिवन अ कलेक्शन ऑफ एग्जांपल रिटर्न अ फंक्शन एच दैट अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टिव बायस होता है उसका ये काम होता है कि उसको कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे और उस एग्जाम्पल के हेल्प से वो एक हाइपोथेसिस फंक्शन बनाएगा जो कि आपके गिवन टारगेट वैल्यू जैसा आउटपुट चाहिए, ऐसा हाइपोथेसिस टारगेट हाइपोथेसिस है उस तरह की वैल्यू देगा, यानी अप्रोक्सीमेट यानी टारगेट हाइपोथेसिस के अप्रोक्सीमेट में एक फंक्शन एच यानी एक हाइपोथेसिस बनाएगा। किसकी मदद से? कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल से। ठीक है, द फंक्शन एच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। वही चीज़ लिखा है, जो फंक्शन एच है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि इंडक्टिव बायस क्या करता है? इंडक्टिव बायस में आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए रहेंगे, कलेक्शन ऑफ एग्जांपल दिए रहेंगे, कलेक्शन ऑफ एग्जांपल की मदद से आप एक हाइपोथेसिस या एक फंक्शन बनाएंगे जो कि आपकी टारगेट हाइपोथेसिस होगी, यानी कि उस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो टारगेट आउटपुट के लिए मिलेगा किसी भी इनपुट के थ्रू। आगे क्या लिखा है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम। किस तरीके से होता है परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम? देखिए, पहले क्या, कलेक्ट अ लार्ज ऑफ एग्जाम्पल। जैसा मैं बताया था कि प्योर इंडक्टिव बायस जो रहता है उसमें कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वही लिखा कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी बहुत ढेर सारे उसको एग्जाम्पल्स ट्रेनिंग डेटा कह सकते हैं दिया जाएगा। डिवाइडेड इंटू टू डे जॉइंट सेट्स, उन सारे एग्जाम्पल्स को दो सेट में डिवाइड करेगा, एक ट्रेनिंग सेट होगा एक टेस्ट सेट होगा, यानी कि एक ट्रेनिंग डेटा होगा और एक टेस्ट के लिए डेटा होगा, दो पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे सारे एग्जाम्पल को। यूज़ द लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब जो भी लर्निंग एल्गोरिथम होगा उसको यूज़ करते हुए विथ द ट्रेनिंग सेट, यानी जो ट्रेनिंग सेट वाले एग्जाम्पल हैं उनको यूज़ करेगा किसमें, लर्निंग एल्गोरिथम है। सेट एग्जाम्पल टू जनरेट हाइपोथेसिस एच, यानी कि कोई हाइपोथेसिस हम एच बनाएंगे ट्रेनिंग सेट के एग्जाम्पल की मदद से किसी भी लर्निंग एल्गोरिथम के लिए। मेजर द परसेंटेज ऑफ एग्जाम्पल इन द टेस्ट सेट, अब जो आपके ट्रेनिंग सेट की मदद से जो भी एल्गोरिथम लर्निंग एल्गोरिथम के हिसाब से आउटपुट मिल रहा है उसका क्रॉस चेक किससे करेंगे, टेस्ट सेट से करेंगे, दैट आर करेक्टली क्लासिफाइड बाई एच, यानी टेस्ट सेट जो है वो टेस्ट करेगा आपके हाइपोथेसिस को, वो सही हाइपोथेसिस बनी है या नहीं किसकी मदद से, ट्रेनिंग एग्जाम्पल यानी ट्रेनिंग सेट की मदद से। ट्रेनिंग सेट की मदद से हाइपोथेसिस बनाएंगे और हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे टेस्ट सेट की मदद से। रिपीट स्टेप 1-4 फॉर डिफरेंट साइज ऑफ ट्रेनिंग सेट, यानी जितने आपके डिफरेंट साइज ऑफ ट्रेनिंग सेट हैं उसकी मदद से आप 1-4 तक स्टेप को क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, मंकी ईट बनाना इन अ ज़ू, ये एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है। फिर क्या, मंकी ईट बनाना इन अ बेंगलोर ज़ू। ठीक है, पहला क्या है, मंकी ईट बनाना इन हैदराबाद ज़ू, दूसरा मंकी ईट बनाना इन अ बेंगलोर ज़ू। तो ये एक आप कह सकते हैं ट्रेनिंग सेट है जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं, हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं कि मंकी ईट बनाना, भाई मंकी चाहे बेंगलोर में रहे चाहे हैदराबाद में रहे चाहे किसी भी जू में रहे वो बनाना ही ईट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको एग्जांपल्स दिए थे जिसकी मदद से आपने ये हाइपोथेसिस निकाली कि मंकी ईट बनाना, ये एक एग्जांपल हो गया। तो यही है इंडक्टिव बायस। थैंक यू।